विद्यार्थी मित्रों ओम शांतिना डिजिटल क्लास में आपनु स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों आज आप धोरण छ भाग चार मारी नोटबुक में हिंदी में राजा का हिस्सा कहानी ते आप भणीए। राजा भोज बड़े थे, राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। राजा भोज लोगों की कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया करते थे। राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। राजा अपने रानी के साथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण करते थे। राजा अपने रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण करते थे। प्रश्न 8 आपी दीधेल छे तो तमे ते वाची तैयार करजो। प्रश्न 9-5 किसान का हल कौन कौन खींच रहा था। किसान का हल उसकी स्त्री और एक बैल खींच रहे थे। भले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। किसने किसको कहा, भले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को कोई हल से जीता जाता है। यह वाक्य भोज ने किसान से कहा। राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा। राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हम मेरा काम क्यों रोक रहे हो। किसने किसको कहा, यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। किसान अपनी पत्नी से हल क्यों खिंचवा रहा था। किसान अपनी पत्नी से हल खिंचवा रहा था क्योंकि उसको एक बैल मर गया था और दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास इतना धन नहीं था। 10 भले आदमी इस प्रकार तो तुम अपनी पत्नी थक जाएंगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेंगी। किसने किसको कहा, ये वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा। राजा किसान को क्या देना चाहते थे। राजा किसान को बैल देना चाहते थे। किसान राजा द्वारा दिया गया बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ। किसान राजा द्वारा दिया गया बैल लाने के लिए खुद तैयार नहीं हुआ क्योंकि राजा का बैल आने तक उसे अपना काम रोकना मंजूर नहीं था। बैल लाने के लिए राजा ने किसान को किस प्रकार राज्य किया। बैल लाने के लिए किसान को राज्य करने के लिए राजा स्वयं किसान की जगह हल में जुड़ गए और खेत जाने लगे। किसान शर्मिंदा क्यों हो गया। आनो जवाब तमने आपी दीधेल छे तो तमे वाचीने तैयार करजो। प्रश्न 15 काम के प्रति किसान की देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। राजा भोज द्वारा दो बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ। राजा भोज के दो बैल मिलने पर खेत में हल चलाना सरल हो गया, इस वजह से इस बार अच्छी फसल हुई थी। प्रश्न 17 तमने आपी दीधेल छे तमे वाची तैयार करजो। राजा ने खेत के किस भाग को जोता था, उसमें क्या उगा था। गेहूं, मोती, मक्का के हीरे तो मोती। खेत के बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे, सही या झूठ। तो सही। नहीं महाराज, आप उन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले ले। किसने किस राजा के अनुसार वे मोती किसान के खेत में उगे थे, इसलिए वही उनको सही हकदार है, इसलिए राजा वे मोती स्वीकार करने से मना करते हैं। ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। किसने किसको कहा, ये वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा। प्रश्न 23-24-25 तमने आपी दीधेल छे तमे वाची तैयार करजो। प्रश्न 26 किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है। किसान खेती के लिए हल, बैल, पावड़ा,
पुल आदि, ट्रैक्टर आदि साधनों का उपयोग करते हैं। किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? किसान खेती करके गेहूँ, जौ, चना, मक्का, बाजरा, गन्ना, सरसा, चावल, विभिन्न दालों और सब्जियों के फसल पैदा करते हैं। प्रश्न 28 आपी दीधेल छे, तमे वाची तैयार करजो। प्रश्न 29, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? हाँ, मैं किसान बनना चाहूँगा। किसान बनकर मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं अपने खेतों में फसल उगाकर जरूरी फसल के अलावा की फसल जरूरतमंदों को दूंगा। प्रश्न 31 तमने आपी दीधेल छे, तमे वाची तैयार करजो। 31, मुहावरे अर्थ आँख खुलना, सही बात का ज्ञान होना, ई आँख लगाना, एकदम से सो जाना, डी आँख चुराना, सही बात से टल जाना, एफ आँख दिखाना, क्रोध करना, बी आँखों का तारा होना। का वाक्य प्रयोग कीजिए। आंख खुलना, परीक्षा करीब आ गई है फिर भी आंख नहीं खुलती। आंख लगाना, अधिक थकान के कारण लेटते ही मेरी आंख लग गई। आंख चुराना, मैं शिक्षक से आंख चुराने लगा। आंख दिखाना, शरारत करने पर बड़े भाई को माँ ने आंख दिखाई। आंखों का तारा होना, बालक अपनी माँ की आंखों का तारा होते हैं। आँखों में चमक आना, मित्र को देखते ही मेरी आँखों में चमक आ गई। निम्नलिखित शब्द विशेषण के उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण, किसान के पास एक बैल था। एक, मेरे गांव में एक मंदिर है। प्रजावस्थल, राजा ए भोज प्रजावस्थल राजा थे। बड़ा, मेरा विद्यालय बड़ा है। होनहार, महेश होनहार लड़का है। मीठा, आम का फल मीठा होता है। मेहनती, प्रिया मेहनती लड़की है। 34, निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? भोज राजाए रथ रोक्यो और खेडूत ने पास जाने कहू, भला मानस तू आ केव अत्याचार कर रहे छे? अरे को क्या स्त्री ने हड़ में जोड़ाती हे? शब्दों को शब्दकोश में क्रम में लिखिए। फसल, किसान, बेल, खेत, प्रजा, स्त्री, राजा, प्रश्न। किसान, खेत, प्रजा, प्रश्न, फसल, बेल, राजा, स्त्री। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। आना जवाब तमने आपी दीधेल छे तो तमे वाँचीने तैयार करजो। समानार्थी शब्द स्थल, प्रजाप्रेमी, राजा, नरेश नृप, प्रसन्न, खुरा, क्षमा, माफी, परिश्रम, मेहनत। विरोधी शब्द लिखिए। राजा रंक, प्रसन्न नाराज, कमजोर मजबूत, अधिकार अनाधिकार, स्वीकार अस्वीकार, गरीब अमीर। संयुक्ताक्षर से शब्द बनाइए। द य द उद्यान विद्या, द व द्व द्विरे द्वंद, अ न ह बाई चिन्ह, द द द बिंदु भद्र। शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले तीन तीन शब्द लिखे। त तरंगिणी, तजुर्बा, ताकत। न नजर, नजा, नवीन। भ भवन, भजन, भगिनी। श षटकोण, षष्टु, षड्यंत्र। प्र प्रभाव, प्रभात, प्रसन्न। त्र त्रिभुवन, त्रिनेत्र, त्रुटि। ज्ञ ज्ञान, ज्ञात, ज्ञानी। क्ष क्षति, क्षमा, क्षत्रिय। 32 ने 42 ने 43 प्रवृत्ति छे। पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़िए, आपको अच्छी लगे वो कहानियाँ अपनी कक्षा में सुनाइए। हमारे शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे ढूंढ कर उनकी सूची बनाइए। आप ये प्रवृत्ति तुम्हारे तुम्हारा नोटबुक में लखी ने तैयार करवानी छे। हवे आपणो अहीं भाग 4 में हिंदी विषय पूर्ण थाय छे।
आशा छे तमे बन्ने मारी साथे पूर्यो हशे अने समझ्या हशो। थैंक यू।